नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम जूनियर असिस्टेंट यानी कि कनिष्ठ सहायक 2017 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन इस कट ऑफ को जानने से पहले आपको इसकी पिछली कट ऑफ के बारे में बता देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, 2016 के अंदर 5315 पदों पर आवेदन मांगे गए थे, जिसके अंदर कट ऑफ गई थी रिटर्न एग्ज़ाम के बाद जर्नल, आपका ओबीसी और आपका एसटी, इनकी कट ऑफ गई थी 23.5, ठीक है। और दोस्तों, एसटी वालों की गई थी 14.5। तो दोस्तों, इसमें लगभग 12,500 बंदे पास किए गए थे टाइपिंग टेस्ट के लिए। अब की बार क्या है, अब की बार वैकेंसीज़ थोड़ी कम है और कैंडिडेट ज़्यादा। पिछली बार क्या था, वैकेंसीज़ ज़्यादा थी और कैंडिडेट कम, तो इस हिसाब से अब की बार काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पर मेरिट जाने वाली है, यानी कि कट ऑफ जाने वाली है। तो दोस्तों, उसी हिसाब से हम आपको कट ऑफ बता देते हैं, अनुमानित कट ऑफ अब की बार क्या रहने वाली है। यदि आप इस कट ऑफ के दायरे में आएंगे तो दोस्तों 100% आप टाइपिंग टेस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों, ये एग्ज़ाम हुआ था आपका 31/5/2019 को, जिसमें हमने काफ़ी ज़्यादा एनालाइज करके, यानी कि कितने कैंडिडेट एग्ज़ाम देने गए और कितने एब्सेंट रहे और पेपर लेवल क्या था, उसी हिसाब से ये कट ऑफ हमने बनाई है। तो इसे देखते हैं, जर्नल कैंडिडेट के लिए जो कट ऑफ रहने वाली है वो 28 के करीब, यानी कि प्लस माइनस 2 कर ले, मतलब अधिक से अधिक 30 या कम से कम 26। यदि आप इसमें 4-5 नंबर से अंतर में हैं तो दोस्तों अब की बार ऐसा नहीं होगा कि कट ऑफ लो जाएगी, ठीक है। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 27, इसमें भी आप प्लस माइनस 2 कर ले, और एससी कैंडिडेट के लिए 24 यानी कि 24, इसमें भी आप प्लस माइनस 2 कर ले, और एसटी कैंडिडेट के लिए 18, इसमें भी आप प्लस माइनस 2 कर ले, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 23, इसमें भी आप प्लस माइनस 2 कर ले। तो दोस्तों, यदि आप इस कट ऑफ के दायरे में आते हैं तो आपका 100% टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब की बार वैकेंसीज बहुत कम है और कैंडिडेट ज़्यादा है। लेकिन पिछली बार क्या था, वैकेंसीज ज़्यादा थी, लगभग 5,500 वैकेंसी थी, जिसमें कट ऑफ कम गई थी, ठीक है। और उसी हिसाब से अगर नॉर्मल हिसाब से आप देखना चाहे तो अब की बार तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली है, लेकिन फिर भी टाइपिंग टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा बच्चे फेल हो जाते हैं, तो उसी हिसाब से ये कट ऑफ हमने तैयार की है। इस नंबर के दायरे में, यानी कि इस कट ऑफ के दायरे में यदि आप आते हैं तो लगभग 100% आपका सिलेक्शन टाइपिंग टेस्ट के लिए हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल सेल्फ स्टडी को सब्सक्राइब भी कर लें। और यदि आपको किसी अन्य टॉपिक या UPSSSC की किसी भी अन्य भर्ती के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसका समाधान कराएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, बाकी हमारे चैनल सेल्फ स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। धन्यवाद।